बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। क्लास 9 का लेक्चर आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.3 और थर्ड लॉगरिथम्स को हमने प्रूव करना है, और प्रूव करने के साथ साथ हमने उनके रिगार्डिंग तो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट पे हम अगर टाइम मिला तो फिर हम लॉगरिथम का फोर्थ लॉ भी हम इंशाल्लाह आज ही के लेक्चर्स में इसे कंप्लीट करें। एक्सरसाइज 3.3 है, बोर्ड स्कीम में 2 मार्क्स हैं, और लॉस नंबर 3 है लॉग बेस ए एम एन, एन स्टैंड फॉर द पावर, इक्वल टू, ये जो पावर है इसकी एक्सपोनेंट है, ये बेस ये लॉगरिथम से पहले आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट चीज है, आपने ये प्रूफ करना है। जैसे मैं एग्जांपल पहले देखूं, प्रूफ करने से पहले लॉग 5 पावर 3 हो, इस पे एक्सपोनेंट्स लॉ लगाएं तो ये क्या आएगा, ये जो पावर है इसको पहले ले आइएगा 3 log 5। अब log 5 की वैल्यू जो है वो टेबल पे भी मौजूद होगी, अगर वो कहेंगे तो हम इसे एवेल्युएशंस में ले आएंगे, अदरवाइज दैट्स योर आंसर। इसको हमने प्रूव करना, रेडी, पेज नंबर है 70। उससे पहले एक्सरसाइज से पहले ही लॉस को उन्होंने प्रूव भी किया हुआ है कुछ अजीबोगरीब तरीके से, लेकिन मेरे साथ रहिएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा लॉग ए एम एन, और राइट हैंड साइड जो है वो एन लॉग बेस ए एम है। हम लेफ्ट की बजाय राइट को लेके चलते हैं, ये वाला पार्ट ले लीजिएगा, लेफ्ट कीजिएगा लॉग एम टू द बेस ए, ये वाला पार्ट इक्वल टू, इसे आप एक्स लेट कर लें। एक्स लेट करने के बाद इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, जो कि हमारी प्रीवियस लेक्चर में मौजूद था। क्या था आपने, इसकी जो बेस नजर आ रही है आपको, यानी कि ये बेस है, इसको आपने लिखना है ए, फिर इसे पावर में इक्वल के बाद जो भी वर्ड होगा आपने उसके इसकी पावर में ले आना है, इट इज एक्स। अब इक्वल का साइन लगाइएगा, अब जो नंबर या डिजिट रह गया दैट इज एम, जिसका लॉग था उसे आप इस साइड पे ले, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। यहां आप इंप्लाइज लगा दें कि हमने इसे एक्सपोनेंशियल में बदल दिया, नहायत आसान, बजाय कि आप इक्वेटिंग मेथड में जाएं, बेस ए पावर एक्स इक्वल टू एम। अब यहां तक पहुंच गए, यहां तक व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिएगा प्लीज, इस एम को अब एन है पावर, बोथ साइड आप एन पावर ले लीजिएगा, इंप्लाइज ए एक्स एनथ पावर, और इधर भी एन के एम के ऊपर एनथ पावर लिख लें। इंडेक्स रूल्स के तहत ब्रैकेट में पावर हो तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमने नाइन्थ प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि ए पावर एम होल एन हो तो हम उसे ए एम एन लिखते हैं सेकंड चैप्टर में। इसी को आप लिखें ए एन एक्स, ये एक्स एन इक्वल टू एम एन। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, गौर से देखिएगा कि ये राइट साइड पे जो एम पावर एन है वो वही है जो आप लेके जाना चाहते हैं, क्लियर हो गया। इसको मैं हाईलाइट जो किया है इसे मैं खत्म कर रहा हूं, अगेन इसे लॉगरिथम फॉर्म में लेके आइएगा। पहले क्या किया, लॉग को आपने एक्सपोनेंशियल में, फिर आपने प्रोसेस किया रिक्वायर्ड प्रोसेस, और फिर आप इसे दोबारा लॉगरिथम में लेके आए, और दोबारा लॉगरिथम में कैसे करना है, लॉग बेस वही ए एम एन नंबर इक्वल,
अब देखें यहां तक पहुंचने से पहले ये वही चीज है जो आप प्रूफ करने जा रहे हैं। अगर मेमोराइजिंग में ले आए तो वो आपने ऐसा ही लिखना है। अब जो डिजिट बच गया, जो पावर बच गई एन एक्स, वो आप यहां लिख दें, ये एक्सपोनेंट्स में आ गए, लॉगरिथम में आ गए। अब इसमें वैल्यू फिट कर दें, पुट द वैल्यूज। किसकी वैल्यू है? सिर्फ ये एक्स की ही वैल्यूज आपने, जो आपने यहां इसे सपोज किया हुआ है उसको दोबारा यहां मेंशन कर दें। मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूं, ये एन है और ये एक्स, ये सपोज किया लॉक बेस ए ऑफ एम, और लेफ्ट साइड पे वही। तो देखिए स्टूडेंट, लॉ नंबर थर्ड जो है वो कितने आराम से प्रूफ हो गया। कुछ भी नहीं आपने करना, सिर्फ वही टिप्स जो मैंने आपको बताए कि किस तरह इसको एक्सपोनेंशियल में बदलना है और किस तरह प्रोसेस करना है, और अगेन आपने लॉगरिथम में बदल के इसे प्रूफ करना है। अब इसी के रिकॉर्डिंग जो है वो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको कराऊंगा, जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.3 में मौजूद है। फर्स्ट में ले फोर्थ पार्ट, पेज ओपन करें जल्दी से प्लीज। लिखा हुआ है लॉक क्यूब रूट ऑफ द नंबर 7/15। अब तीनों के तीनों लॉज यहां हो सकता है अप्लाई हो, जिसे एडिशनल, या हम इसे प्रोडक्ट, डिफरेंस जिसे हम क्वोशन्ट, और एक्सपोनेंट लॉज जो है वो तीनों के तीनों हम यहां अप्लाई करेंगे। मैं राइट साइड पे, यहां लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं, इसे एक दफा फिर देख लें। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसको प्रूव भी किया हुआ है, लॉक बेस ए एम एन इक्वल टू लॉक बेस ए एम प्लस लॉक बेस ए एम। अगर बेस ए ना भी हो तो अंडरस्टूड है ये कॉमन लॉगरिथम है, ये एम है, लॉग एम है और एन है, अंडरस्टूड है कि ये जो है वो कॉमन लॉगरिथम है। अगर इसी तरह क्वेश्चन में जाते हैं जो राइट साइड पे डिफरेंस में आ जाता है, लॉक एम माइनस लॉक एन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। देखें हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। आपने लिखना है लॉक 7/15 होल पावर 1/3 पावर, बिल्कुल ये इसकी शेप देखें, लॉक है, लॉक है, बेस ए की बजाय यहां नेचुरल वो है कॉमन लॉगरिथम बेस 10, एम है 7/15 और पावर है एन 1/3। पावर क्या करती है, बैक साइड पे ले आए, ये इंप्लाइज लगा रहा हूं, क्वेश्चन लॉक 1/3 लॉक 7/15। और एक अहम बात कि आप ये देखिएगा कि 1/3 पावर जो है वो दोनों डिजिट पे है, तो लिहाजा आपने इसे ब्रैकेट यूज करनी, इसको नहीं भूलना। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है 1/3 जो है वो सिर्फ आगे अगले प्रोसेस में सिर्फ फर्स्ट वाले डिजिट से या फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट टर्म देखिएगा 1/3 m over n quotients, m over n log separate होगा और digit को भी separate करेगा, log 7 minus log 15, और वो ही जो मैंने आपका आपसे कहा कि 1/3 जो है वो दोनों से distribute हो रहा है, multiply हो रहा है, और इक्वल का साइन लगा दीजिएगा, ये है सम और डिफरेंस में कन्वर्जन। एक और प्रैक्टिस कर लें, फिफ्थ पार्ट देख लें, लॉक, अब इसमें उसमें डिफरेंस क्या है वो वीडियो के साथ साथ रहिएगा प्लीज, लॉक 22/1/3/5/3। इसमें आपने क्या करना है,
लॉग लिखें फर्स्ट, ये सारे का सारा यानी कि 22, 1 और 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है m को, और 5 पावर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है n को। 22 पावर 1/3 माइनस दिस वन log 5 पावर 3। क्लियर हो गया? आपने कौन सा लॉ सेकंड वो यूज किया क्वेश्चन लॉ करने के बाद? अभी यहां भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसे आप थर्ड लॉ में ले जाएं। एक्सपोनेंट में पावर आपको 1/3 नजर आ रही है, इसे बैक पे ले आइएगा 1/3 log 22 माइनस 3 पावर log से पहले, पावर log से पहले log 5। अभी आप देखिएगा यहां मैंने ब्रैकेट यूज नहीं की, यहां मैंने ब्रैकेट यूज की है। यहां इसलिए ब्रैकेट यूज नहीं की कि वो एक डिजिट के साथ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस पेज नंबर 70 ओपन हो गया। वन ऑफ द हॉट फेवरेट log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x + 1 माइनस log x² - 1 इनको एक सिंगल लॉगरिथम में बदलना है। वो तमाम का तमाम जितने भी लॉज आपने किए हैं वो इसमें आपने यूज करने हैं, बट कन्वर्स कैसे करने हैं देखें। फर्स्ट वन, इसे मैं अपनी आसानी के लिए या आप लोगों की आसानी के लिए इसे सबसे पहले इसे हम एक्सपोनेंट्स लॉ लगाएंगे, यानी कि जो आप यहां 2 log x नजर आ रहा है बिल्कुल यही रिप्रेजेंट कर रहा है n log m, तो n जो है वो m पावर में ले जाएगा, तो यही 2 जो है वो x² हो जाएगा। थर्ड टर्म में जाए, थर्ड टर्म में log से पहले आपको 3 डिजिट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है यू ही मैं log का रिवर्स इस्तेमाल करूंगा तो ये x + 1 की पावर 3 हो जाएगा। बाकी भी फिलहाल कुछ नहीं। पहला स्टेप log x - log x² ये स्केयर वो 2 है, प्लस log x + 1 all power 3। ये जो log से पहले 3 है वो आप क्यूब में चले जाएंगे इस रूल के तहत। लास्ट आपने वैसे क्या वैसे लिख दिया log x² - 1। पहला स्टेप। सेकंड, मैं अपने लिए ये करता हूं कि इसे रीअरेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। रीअरेंज से कैसे ब्रो, आप क्या करेंगे हम इसे ये है कि प्लस साइन वाले मैं पहले ले आऊंगा, माइनस साइन वाले अलग ले आऊंगा। ऐसे क्यों कर रहे हैं कि प्लस वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली वो फर्स्ट लॉ में ले जाऊंगा, और सब्ट्रैक्शंस वाले जो है वो मैं सेकंड पार्ट में ले जाऊंगा जिसको मैं क्वेश्चन लॉ लगा लूंगा। अब ये रेंज देखिएगा log x दैट्स अ प्लस log x + 1 all power 3 माइनस log x² - log x² - 1 ब्रैकेट। अब आपने एक सिंगल log में लेके आना है जहां से आपको एक ही स्टेप आपने करना है। अब उसको जरा गौर से देखिएगा, इक्वल सिंगल log डिजिट log। अब देखिए प्लस कौन से हो रहे हैं, पहला और सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो एडिशन में आ रही है, तो इसका मतलब है log के बाद वाली अमाउंट जो है कौन कौन सी है,
एक ये है ये x और ये एक ये है x प्लस वन होल क्यूब, ये दोनों क्या होंगी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, x इंटू x प्लस वन क्यूब, ये देखो मैंने इनको मल्टीप्लाई में कर दिया। अब नेक्स्ट टू टर्म जो है वो नेगेटिव साइन रखती हैं, तो नेगेटिव साइन लॉगरिथम क्या कहते हैं, इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, एक लाइन लगाएं यानी कि फ्रैक्शनल लाइन। अब ये दोनों x स्क्वायर, दिस वन इज द x स्क्वायर और सेकंड है x स्क्वायर माइनस वन, x स्क्वायर माइनस वन, ये इसके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और एक सिंगल लॉगरिथम में आ जाएंगे। अब यहां आपने कुछ भी नहीं करना कि जैसे कि बुक के लास्ट में आंसर होगा कि x को x स्क्वायर से कैंसिल कर दो, इस पे फॉर्मूला यूज करें, कुछ भी नहीं करना। उन्होंने आपसे कहा कि आपने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, इट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, हालांकि इसको यहीं से कवर कर लेना चाहिए। इन्होंने कहा इसे भी सिंगल लॉग में लेके आइएगा, सिंगल लॉग से पहले, अब अगर आप देखें कि लॉग से पहले कोई कांस्टेंट मौजूद है तो उसे पावर में शिफ्ट कर दे, लॉग लिखे इससे पहले कोएफिशिएंट में टू है तो इसे स्क्वायर कर लीजिएगा माइनस थ्री, इसे क्यूब में लिया है लॉग वाई क्यूब इक्वल का साइन लगाए, यह हमने थर्ड लॉग लगाया। अब ये दोनों लॉग के दरमियान माइनस का साइन है यानी कि इसके घर में जाएंगे हम लोग। क्या ये करते हैं कि नेगेटिव साइन जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाता है लेकिन लॉग आपने सिंगल यूज करना है, लॉग एक्स स्क्वायर अवर वाई क्यूब, ये सिंगल लॉग में कन्वर्ट होता है। तो ये देखें कितना आसानी से आपने, कितने आसानी से आपने पहले इसे प्रूफ किया, उनसे रिकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए, इसमें हमने एक सीक्वेंस इसलिए ड्रॉप किया था ताकि उसी के मुताबिक करें जिस तरह का लॉस है, और फिर उनकी एक एप्लीकेशन। वीडियो को लाइक करें, लाजमन लाइक कीजिएगा, आपकी एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। स्टे कनेक्टेड विद माई मी एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।